हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल आरडी बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे एक बहुत ही अच्छा ब्लाउज का डिज़ाइन और बहुत ही सिंपल भी है ये डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं गले की कटिंग को। इसके लिए हमने लिया है बैक साइड का पार्ट और यहाँ पर गले की कटिंग के लिए सबसे पहले हम निशान लगाते हैं ऊपर और ये निशान लग जाएगा हमारा 2.25 इंच पे। इसके बाद गले की गहराई की अगर बात करें तो यहाँ पर हम गले की गहराई ले लेंगे 10.5 इंच का, ये इस तरह से 10.5 पे ये निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो निशान लगाना है ये हम ले लेंगे 2.5 इंच, इसमें ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं देना है इसलिए सिर्फ 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद इन निशानों को बराबर मिला लेना है। यस, मिलाने के बाद हम सिंपल गोल गले का शेप देंगे इसमें। तो ये इस प्रकार से गोल गले का शेप यहाँ पर देना है और उसके बाद यहाँ पर एक और निशान लगेगा और ये निशान हम लेंगे ये इस प्रकार से 1.25 इंच की दूरी से। तो ये पूरा 1.25 इंच नाप करके पूरा ऊपर तक ये निशान लेना है। यहाँ पर भी बराबर नाप लेंगे, कहीं पर कम ज़्यादा ना हो इस तरीके से नापें अच्छे से। और ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा, देखिए। और फिर ये जो 1.25 इंच का हमने निशान लगाया है ये निशान पूरा इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट इसका मार्किंग हुआ। बाद हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिस कलर से हमें डिज़ाइन बनाना है, ये इस प्रकार से रखेंगे। इसको डबल फोल्ड में रखना है और उसके बाद ये जो बैक साइड है इसको बराबर यहाँ पर जमा लेंगे और दोनों की एक साथ कटिंग करनी है। कपड़ा इतना चौड़ा लेना है कि कम से कम गले की पट्टी निकल जाए, वहाँ से गले का कटिंग हो जाए, इस प्रकार से उतना चौड़ा आपको लेना है। अब करते हैं यहाँ पर कटिंग, तो गले से ही स्टार्ट करेंगे। यस फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर देखिए, अब ये जो पीस है इसको हम सिर्फ बैक साइड के पार्ट पर कटिंग करेंगे, नीचे वाले कपड़े को नहीं काटना है। यहीं से हमारा डिज़ाइन बनेगा, तो ये इस प्रकार से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ से हटा लेंगे। अब ये जो शेप आया है गले का, देखिए काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए गले की पट्टी, तो उसके लिए वापस से इसको हम डबल फोल्ड में मोड़ लेते हैं और डबल फोल्ड में मोड़ने के बाद सेम कलर की पट्टी का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको बराबर जमा करके रख लेंगे पट्टी काटने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। और फिर यहाँ पे मार्किंग करना है ये इस प्रकार से। और उसके बाद इसको हटा लेना है और फिर कर लेंगे कटिंग। तो ये सिंगल निशान लगा है तो कटिंग हम कहाँ से करेंगे, पहले इसी निशान पे कटिंग करेंगे और उसके बाद थोड़ी दूरी से काट करके पट्टी बना लेंगे। तो ये आप डबल फोल्ड में काटेंगे और डबल फोल्ड में काटेंगे तो ये हमारा पट्टी जो है पूरे गले के लिए तैयार निकलेगा। सिंगल पीस काटेंगे तो आपको बीच में जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें 1 इंच की पट्टी काट लेंगे पर्याप्त है। तो अब इस पट्टी को हम यहाँ पर फिट करते हैं, वापस से इसको ओपन कर लेते हैं और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल किनारे से इसको चिपका करके हमें फिट करना है।
इस तरीके से जब हम पट्टी काटते हैं ब्लाउज पे ही रख करके, तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी हमें नहीं आती। ये इस प्रकार से सेंटर से स्टार्ट कर लेंगे, यस, और इसको किनारे किनारे पूरे सिलाई लगा करके चिपका लेना है। ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड भी यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। यस, तो मेन इसको चिपकाने बस का ही काम है इस डिज़ाइन में, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ये डिज़ाइन जो है बहुत ही सिंपल है सभी लोगों के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए जो कि ज़्यादा मेहनत करके डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे लोग इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अभी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पलटाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम इसको पलटाएंगे ये ऐसे, और पट्टी के ऊपर एक सिलाई, तो ये पूरी सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी, पट्टी और कपड़े का जॉइंट जो है पट्टी की तरफ पलटा करके, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। सिलाई पूरी करने के बाद अब ये आसानी से पलट जाएगा। सबसे पहले सेंटर का ध्यान रखेंगे क्योंकि यही इसका मेन लुक है, तो यहाँ पर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नोक वगैरह बराबर निकाल लेंगे और उसके बाद ये इस तरह से पलट जाएगा। और इसको तो हमने पूरा पलटा लिया, बात करते हैं जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है रेड कलर का डिज़ाइन करने के लिए, तो उस पर क्या करना है। तो ये पट्टी हमारा पूरा लगा, अब इसके बाद जो रेड कलर का पीस है उसमें भी हम पट्टी का ही यूज़ करेंगे। ये है डिज़ाइन वाला पीस, इसके लिए भी हम पट्टी का यूज़ करेंगे। तो ये पट्टी हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अब ये पट्टी आप पतला भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा था तो चौड़ा पट्टी यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ, वेस्टेज कपड़ा बाद में अलग कर लेंगे। तो ये भी हम इस तरीके से चिपका लेंगे, पूरा किनारे किनारे सिलाई लगा करके इसको चिपकाते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको पलटाने के लिए। तो सिलाई के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पलटाने के लिए, और ये बहुत अनिवार्य होते हैं पलटाने के लिए कट्स लगाना, चाहे आप पाइपिंग बनाएं पट्टी लगाएं, इस तरीके से आपको कट्स लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर पलटा करके बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने बैक साइड पे किया है। तो ये पूरा सिलाई वैसे ही लगाना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ों की कटिंग। तो ये देखिए सिलाई के बाद जो है ये इस प्रकार से पलटेगा। यहाँ पर ज़रूरत हो तो हम प्रेस का यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेंटर का निशान सबसे पहले लगाएंगे। ये सेंटर का निशान लगाने के बाद बैक साइड वाला जो पार्ट है इसको बराबर यहाँ पे जमा के रखना है, सेंटर को बस मिलाना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जम जाएगा क्योंकि हमने गले के हिसाब से ही पट्टियों को सेट किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी फैलाव नहीं आएगा, ये इस तरीके से जम जाएगा अच्छे से। यस, और उसके बाद इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ पर ये जो सिलाई हम लगाएंगे थोड़ा दूर से लगाएंगे, एक प्लेजर छोड़ करके, यस, अब ये सिलाई हम पूरा कंप्लीट करते हैं, केवल इसको चिपकाने के लिए ये सिलाई है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेस लगाने के लिए, तो लेस से जो है इसका लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा लेस लगाने के लिए भी देखेंगे, इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो ये सिलाई हमारा कंप्लीट है। सिलाई के बाद देखिए अब यहाँ पर जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़े हैं इन्हें हम पूरा काट लेंगे, यस,
और उसके बाद अंत में देखते हैं लेस लगाने के लिए। तो ये देखिए अब यहाँ पर लेस हम लगाएंगे। ये इस तरीके से इसको पूरा फिट करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, चौड़ा लेस है तो डबल सिलाई लगाना पड़ेगा लेस के दोनों किनारों पर। तो ये लेस पूरा फिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बिगिनर्स को बहुत ही पसंद आएगा और आसानी से आप इसको बना भी पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। यहाँ पर हम बीच में एक छोटा सा बटन लगा सकते हैं जिससे इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। ये इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।